हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ ऐसे प्लांट को जो कि अक्सर घरों में अवेलेबल मिल जाते हैं, अक्सर घरों में होते हैं, जो कि नाम है यहाँ पे आप जान ही रहे हो, एलोवेरा का प्लांट। जी हाँ, शानदार एलोवेरा का प्लांट यहाँ पे आप देख पाओगे कि कितने अच्छे हेल्दी प्लांट है। मतलब ऐसा आपको देखने में लग ही रहा होगा कि बहुत हेल्दी प्लांट है, बहुत कहीं से भी आपको कुछ भी डैमेज या फिर ये बोल ले कि ऐसा लगे नहीं कि वीकनेस है या कमजोरी या कुछ खराबी आ गया, पूरा का पूरा ये प्लांट जो है वो हेल्दी प्लांट है, देख पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हेल्दी ये किस चीज़ में है, किस पॉट में है, कहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये कोई पॉट में नहीं लगाया है, यहाँ पे आप देख पाओगे हमने रिसाइकल करके बोतलों में लगाया है। जी हाँ, ये बोतल है जो कोल्ड ड्रिंक के बोतल हैं, उसमें हमने यहाँ पर रिसाइकल करके इस प्लांट को लगाया है। यहाँ पर देख पाओगे प्लांट को हमने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक जो कोको कोला के बोतल है, नीचे का भाग जो कट करके हमने क्या कर दिया, नीचे में भाग में ये लगा दिया है, और ऊपर के भाग में जो है हमने हैंगिंग पॉट में उसमें भी हमने प्लांट लगाया है। तो यहाँ पे देख पाओगे शानदार ये जो है, देख लो कितना शानदार है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है इस प्लांट को क्या है, इसे ज़्यादा मिट्टी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने ज़मीन पर ही लगाना पड़ेगा। अब गमलों में भी लगाओगे ना, ज़्यादा मिट्टी नहीं चाहिए, इसे कम मिट्टी चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए। देखो आप देख पाओगे यहाँ पानी ही आपको दिखेगा, देख रहे हो, देखो इतना पानी है तब भी ये गल नहीं रहा है, ये ख़राब नहीं हो रहा है, नहीं होगा ख़राब, क्यों, क्योंकि इसकी पानी से ही तो बना है, ये पानी से तो ही बना है, ये ख़राब कैसे हो सकता है, इसमें पूरा पानी ही है पूरे इसके भाग में, इसलिए ज़्यादा पानी इसको देता हूँ तो ये पूरा हेल्दी है। आप देख पा रहे हो इसमें पूरा पानी ही आपको दिख रहा है, और ये पानी ताज़ा पानी नहीं है, ताज़ा नहीं कि अभी दिया गया है, आप देख के लग ही रहा होगा आपको पानी, है ना। तो ये बहुत पहले का पानी और छोटे से स्पेस में अच्छा ग्रोथ कर रहा है। आप भी इस तरह से अपने घरों में जो है वो प्लांट लगा सकते हो एलोवेरा का। यहाँ पे देखो अलग ब्रांचेस भी निकल रहे हैं, ये देखो और नीचे भी देखो, यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये अलग ब्रांचेस भी इसमें से निकल रहे हैं, काफ़ी हेल्दी है, देखने में भी अच्छा लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर पॉट लेने जाओगे तो 60-70 रुपये 80 रुपये पड़ जाता है एक पॉट के, ठीक है, तो प्लास्टिक के पॉट। तो अगर आप इसे इस तरह से कोई भी बोतल को जो आप कोल्ड ड्रिंक का या जो कोई भी है फेंकते हो या कचड़े में या फिर आप किसी कबाड़ में बेच देते हो, तो क्या फ़ायदा होता है आपको, कितना रुपए मिल जाता है इसको बेचने से। अगर इसका यूज़ करके इस तरीके से आप पॉट बना लो, नीचे का भाग ये या ऊपर का भाग हैंगिंग पॉट, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है किस तरह आप हैंगिंग पॉट बना सकते हो, तो उस पर भी आप मनी प्लांट लगा सकते हो, उस पर भी आप जो हैंगिंग पॉट बना के फिर पुदीना का लगा सकते हो, तो मैंने ऑलरेडी लगा के आपको दिखाया भी है। तो इस तरह से आप नीचे का पॉट में ये लगा सकते हो। और एलोवेरा जो है, जब मैंने इसे लगाया था इससे पहले, तो मुझे लगा था कि छोटे से इसमें पॉट में नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इसको चाहिए ज़मीन, मिट्टी। और एक और जो मैंने लगाया था इससे पहले वीडियो अपलोड किया था, जिसमें क्या था कि मैंने एक बड़े से पॉट में लगाया था, तो मुझे लगा कि छोटे पॉट में पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या होगा, तो फिर भी हमने लगाया तो दोनों सक्सेस कर गया, और काफ़ी अच्छा से सक्सेस किया। मतलब ये देखो ग्रोथ इसमें कितना शानदार है, देख पाओगे पूरा हेल्दी सा है। इसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे यूज़ करने के लिए इसका यूज़ नहीं करते, जो मिट्टी में लगाया हम यूज़ का यूज़ करके, वो जल्दी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है वहाँ मिट्टी में। ऑब्वियस सी बात है, मिट्टी में कोई भी डायरेक्ट ज़मीन पे लगाओगे तो कोई भी चीज़ तेज़ी से ग्रोथ करेगा ही करेगा। ये पॉट में है, छोटे से पॉट में है, ऊपर से मिट्टी चेंज हो नहीं रहा है, तो स्लोली तो ग्रोथ करेगा ही ना। और वैसे भी मैं इसे सो के लगाया है, यूज़ करने के लिए मिट्टी में लगाया, उसका हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे घर में जो यूज़ होता है वो मिट्टी वाला ही होता है, ज़मीन पे जो लगा हुआ है, खैर मिट्टी में तो ये भी है लेकिन ज़मीन पे जो लगा हुआ है। पर यहाँ पे देख पाओगे इस तरह से आप कोई भी प्लांट जो है अपने घरों में लगा सकते हो, एलोवेरा का प्लांट एक बोतल में भी लगा सकते हो। आपको आप ये आइडिया आ गया ना कि आप बोतल में भी प्लांट को लगा सकते हो इस तरह से, देख रहे हो कितना हेल्दी है ये, क्या शानदार देखने में लग रहा है। तो आप अपने घरों में ज़रूर लगाना एलोवेरा का प्लांट, और इस तरीके से अपने घर में लगाना, जितने आपके बोतल वगैरह हैं डब्बे हैं उसका यूज़ करना, फेंकना मत किसी डब्बों बोतल को, सबका यूज़ कर जाना। आप अपने घर के छत पे, ये घर के आगे कहीं भी आप इसे रख सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए एक्सपेरिमेंट के साथ, फिर से कोई नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।